नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है मैंने एसी के ऊपर बनाया हुआ है। मार्केट में काफ़ी सारे एसी अवेलेबल है, काफ़ी सारी कंपटीशन है, तो ऐसे में हमें जो सबसे अच्छा एसी मिला है वो है एलजी का ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला ये एसी है। एसी के अंदर हमें दो बातें ध्यान रखनी होगी कि वो कीमत में थोड़ा सस्ता हो, और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हमें घर के अंदर जो हमारा बिजली का बिल है वो भी कम आना चाहिए। तो ये दो बातें जो है वो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो ये एसी मुझे दोनों में काफ़ी अच्छा लगा है, और ये एसी मुझे मार्केट से मिला है 35,500 के अंदर। और इसका जो बिजली का जो बिल है वो एक साल में अगर आप 1600 घंटे यूज़ करोगे तो 1000 के आसपास यूनिट कंज्यूम करता है। ये एसी आपके लिए काफ़ी सस्ता और फायदेमंद हो सकता है। मैं जो मॉडल बाई करके लाया हूँ वो ये 1.5 टन का PWX मॉडल है। उसके साथ हमें 10 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी मिलती है, 5 साल की कंडेंसर वारंटी मिलती है, और ये स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन है इस एसी के अंदर। और ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर भी है, हिमालया कूल और मॉनसून कंफर्ट ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये एसी जो है मैंने बाई किया हुआ है। चलिए, एलजी का जो ड्यूअल इन्वर्टर एसी है वो इंस्टॉल हो चुका है, और अभी जो मैंने उसको हिमालया कूल मोड के ऊपर ऑन किया है, तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है क्योंकि ये फुल फैन मोड के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और तकरीबन 15 मिनट में ये पूरा जो रूम है वो ठंडा हो चुका है मेरा। तो जो कूलिंग कैपेसिटी है उसकी बहुत बढ़िया है। और अभी हम देखेंगे इसका आउटडोर यूनिट। चलिए, अब हम इसका जो नॉइस टेस्ट है वो करते हैं कि ये एसी जब ऑपरेट होता है तो कितनी आवाज़ करता है। तो ये सबसे पहले हम हिमालया कूल मोड के ऊपर ऑन करते हैं। अब मैं इसको एनर्जी सेविंग मोड के ऊपर ऑन करता हूँ। अब मैं इसका टेम्परेचर 25 करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही घर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद,
वंदे मातरम।